और चलिए बात हरिद्वार की करेंगे। देश आजादी का महोत्सव बड़ी धूमधाम से मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील की है कि हर घर तिरंगा लहराए। प्रधानमंत्री के आह्वान से ही आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से अमृत महोत्सव के तहत तो हर घर तिरंगा लहराने का काम किया जा रहा है और इसी को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी की इस मुहिम से अलग भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाल रही है। आज धर्मनगरी हरिद्वार में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली और इसमें अपना सहयोग दिया। वहीं हरीश रावत ने तिरंगा यात्रा और साथ ही बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। ये तिरंगा यात्रा एक महान भारत बनाने के संकल्प के साथ निकाली गई यात्रा है। आजादी के 75 साल हो रहे हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की 80 वर्षगांठ है, उस पर हमने ये तिरंगा यात्रा निकाली है। गांव गांव, घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, बाखली बाखली, हर जगह निकाली है। आज लाखों लाख कांग्रेस जन हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के आज़ादी के मतवालों की तरीके से भारत माता की जय हो, हम हैं सब भाई भाई के नारे के साथ।